कोई भाई ना पीछे है ना नाम लिख गया विक्रम अलाव शीशे के ऊपर कि विक्रम भाई शर्म करो, अब तो तुम्हारी गाड़ी इतनी गंदी है रही है। आ गई भाई, आ गई शर्म, आ गई भाई। इसीलिए अपन आज कोई भी काम पहले नहीं करेंगे, पहले अपनी गाड़ी को वॉश कराएंगे भाई, उसके बाद ही बाकी ये काम करेंगे अपन। हाँ, खुद की गाड़ी इतनी गंदी अच्छी लगती, और मैं कहता हूँ किसी गाड़ी में बैठ जाऊँ ना, अरे भाई तेरी गाड़ी देख कैसी सड़ने लग रही है, है? और मेरी ही गाड़ी भाई ऐसे सड़ी हुई मिलेगी ना तो कैसा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा भाई। लास्ट मोमेंट पे निकला हूँ आज तो मैं, ऑरेंज के टाइम पे बच गया। देखा था उधर गाड़ी आनी शुरू हो गई थी। वैसे ऑरेंज जब आ जाए ना भाई, और आपने सिग्नल क्रॉस ना किया हो, आप पहले हो तो आपको रुक जाना चाहिए, और अगर आप बिल्कुल बीच में आ गए हो और उस टाइम पे ऑरेंज हो जाए तो आप निकल सकते हो, फिर आपका चलान नहीं होएगा, तो अपना चलान बच जाएगा, बाकी बाद में क्या आपका फोटो आ जाए ऐसे करते हुए कट गया चलान। नहीं, हे प्रभु ऐसे मत करना यार। हेलो जी, वेलकम बैक टू चल, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होगे, फुल विजिबल लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। भाई मुझसे पूछते हैं, विक्रम भाई मेरी गाड़ी BS6 है, मैंने दूसरी स्टेट से गाड़ी खरीदी थी, आई थिंक पंजाब से खरीदी थी उन्होंने, तो मेरी गाड़ी के ऊपर ना जो स्टिकर लग गया था ना नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल वाला ग्रीन कलर का, वो लग के नहीं आया, क्या मेरे को उसके लिए पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा? देखो भाई, आज की डेट में आप कोई भी नई गाड़ी खरीदते हो BS6.2 व्हीकल, तो उसमें आपको एक साल तक पोल्यूशन कराने की जरूरत नहीं है, तो आपका एक साल तक तो होता ही है, इनबिल्ट मान लो आप उसको, ठीक है? उसके बाद हर साल का आपका रिन्यू होगा, ठीक है? तो वो ऑनलाइन दिख जाता है, क्योंकि मोस्टली आजकल PUC सेंटर है वो ऑनलाइन है, तो वहां पे शो कर जाता है। काफी है ऑफलाइन भी आज की डेट में, जो झोल करते हैं, जो गाड़ी पोल्यूशन करती है उसका भी PUCC बना देते हैं। और बात करें BS4 व्हीकल्स की, तो उनका भी एक साल के लिए बन जाता है, लेकिन जो BS3 व्हीकल्स है उनका भाई 6 महीने के लिए बनता है। जैसे जो हमारी नैनो है उसकी RC में उसका मेंशन हो रखा है BS3, तो उसका हर 6 महीने का कराना पड़ता है अपने को, पैसे वही 100 रुपए लगने हैं भाई, चाहे BS3 का हो, चाहे BS4 का हो, चाहे आपका BS6 का हो, उनमें एक साल का हो जाता है और उसमें भाई आपका 6 महीने का होता है। एक भाई की भाई गाड़ी का लोन कम्प्लीट हो गया है, उसके बाद उनको NOC भी मिल गई, लेकिन उन्होंने भाई HPA नहीं हटवाया, हाइपोथिकेशन जो हटवाना पड़ता है ना, फॉर्म नंबर 35 मिलता है, बैंक की NOC मिलती है, ये RC इंश्योरेंस पोल्यूशन ये सब सारे डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं। खैर, इंश्योरेंस और पोल्यूशन का आपको आज की डेट में डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ता, क्योंकि दोनों ही चीज भाई आपकी ऑनलाइन दिखती है, तो ये ऑनलाइन डिस्प्ले हो जाती है। लेकिन आज भी काफी स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट है, इवन हरियाणा में भी, जैसे गुड़गांव में तो भाई ऑनलाइन चल जाता है, लेकिन कहीं और डिस्ट्रिक्ट है, जैसे जहां अनमोल भाई की हमने गाड़ी सेल की थी कुरुक्षेत्र, तो वहां पे उनको फिजिकली चाहिए था, तो इंश्योरेंस हमने फिर उनका फिजिकली भेजा था कि ये देखो भाई ये वाला इंश्योरेंस इसका हो रखा है, ऑनलाइन नहीं उठा रहा था वो, तो वो चीज है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगा के भाई आपको अपना हाइपोथिकेशन उतरवाना पड़ता है, फिर जहां पे आपका हाइपोथिकेशन 2 लिखा होता है ना, वहां पे नील या उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, नई RC बन के आती है। अब वो पूछ रहे हैं मैं क्या करूं, तो कुछ नहीं करना भाई, वापिस अपने बैंक के पास जाओ, उनको बोलो कि आप मुझे एक नई NOC निकाल के दे दो, वो आपको निकाल के दे देंगे, आई थिंक नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, कई बैंक तो लेते भी नहीं है, तो वो NOC आप लगा के और अपना हाइपोथिकेशन हटवा लो। काफी लोग ये भी करते हैं कि भाई जिस टाइम मैं गाड़ी सेल करूंगा उस टाइम पे हाइपोथिकेशन हटवा लूंगा, तो हो जाता है, लेकिन भाई आज की डेट में ना RTO ऑफिसेस क्या कहते हैं, पहले आप हाइपोथिकेशन हटवाओ उसके बाद आप RC ट्रांसफर करवाओ, पहले एक साथ हो जाता था, दोनों काम हो जाते थे, काफी स्टेट कर देते हैं, डिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, लेकिन काफी नहीं करते, तो भाई हटवा लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। 1500 रुपए फीस है इसकी, जो हाइपोथिकेशन चढ़वाते हैं नई गाड़ी खरीदते हैं उसमें 1500 लगते हैं, हटवाने के 1500 रुपए लगते हैं, उसके अलावा जो ऊपर नीचे जो 200-400 लगता है आपका, बस वही है। अब 200-400 को बराबर मत समझना, डॉक्यूमेंटेशन लगाने लोगों ने के लड़का लेता जो बस। भाई गाड़ी हमने खड़ी कर दी, ये कह रहा है आज नहीं दूंगा गाड़ी, दूंगा कल, हैं? क्यों भाई साहब? काम इतने प्यारे प्यारे देते हो। भाई एक ना स्क्रैच है बहुत दिनों से हमारी स्कॉर्पियन के पास, स्क्रैच है इसके पास, कैसी कैसी लाइनें बोल रहा हूँ मैं, तो भाई ये लगा हुआ है, पार्किंग कर रहा था नीचे ना, एक पेड़ का वो था, काट नहीं देते पेड़ को, टूट रहा था नीचे, तो वो लग गया था हल्का सा भाई इसके ऊपर ना, तो ये वाला पार्ट है ना खाली, ये इत्तू सा, ये छोटा सा, इसको करा लेंगे पेंट भाई, बस यही स्क्रैच है, बाकी तो पूरी गाड़ी भी कहीं है नहीं, और विंडशील्ड चेंज होके आई थी, तो उन्होंने भाई यहाँ पे मेरी PPF खराब कर दी थी, तो इसको कट लगवा लेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको चेंज कराता हूँ तो यहाँ से लेके, और ये देखो पूरा सिंगल पीस है भाई ये, तो इतना तो नहीं छिड़वाऊंगा भाई, क्योंकि सारी गाड़ी बिल्कुल ओके है, कोई कहीं से कोई दिक्कत तो है ही नहीं, क्यों छेड़नी खाम खाम में, तो इसीलिए भाई पीछे मत देखो यार, तो धुलने दो, बाकी और कहीं कोई दिक्कत है नहीं, कोई स्क्रैच वगैरह है नहीं, छोटा मोटा कुछ भी नहीं है, बस यही है। तो मेरा फुटस्टेप मैंने अभी दोबारा से पेंट करवाए थे, बस यही है, और तो कोई है नहीं, इसको बम्पर को जो हमने सिर में पेंट कराया था इसे बस सैंडिंग, और अपने इसके ऊपर बढ़िया से रबिंग करा लेंगे। ओह माय गॉड, ओहो ऑफ रोड फ्लाइंग एकेडमी होगी वो, मेरे हाथ से चालू होगी, ऐसा हो सका है? अरे ना भाई,
बढ़िया टोपी ओपी। अरे अच्छा तो महिंद्रा एडवेंचर की है, मेरे को लगा ट्रैवल वाली की छपा रखी है तुमने। ऐसा एक लोगो डिजाइन कराओ बढ़िया सा, मेरा भी करा देना ऑटोमोटिव 17 का, चले घूमी में। भाई ने लिए भाई नई गाड़ी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आज तक पार्टी दी नहीं, सीधा ड्राइव करेंगे भाई की गाड़ी की। अच्छा पार्टी भी आ जाए, क्या बात है। चलो हमारी स्कॉर्पियन की हो रही है मरम पट्टी, सारी उतार दियो, रखी हुई मत पट्टी, मतलब जख्म भर के ऐसा कुरेद दियो कि ठीक हो जाए, बस वो वाला काम कर दे, पट्टी रहनी ही नहीं। मैं कैसे किसी लाइन बोल रहा हूँ ना, जख्म करके जख्म जो उसको भर दे। भाई साहब मांगने से पहले चाबी मिल रही है। भाई ये तो मेरी फेवरेट गाड़ी है, एक काम कर तू मेरी एन ले जा, ये मेरे को छोड़ जा। ये बात भी ठीक है भाई। ले भाई देखो भाई, चलने में तो यूं क्यों, ये फॉर्च्यूनर ही है ठीक है, बाकी इसकी लंबाई चौड़ाई का बहुत तगड़ा फर्क है भाई, अभी तो 5.5 मीटर लंबी। पार्किंग मिल जाती है आसानी से? पार्किंग ऐसे आसानी से नहीं मिलती जी इसको। इसके लिए स्पेशल पार्किंग चाहिए। इसको देख के लोग पार्किंग दे ही देते होंगे। हाँ कोर्ट में तो मिल जाती है, पहले जल्दी जाना पड़ता है उसके लिए, टाइम निकालना जल्दी जाना पड़ता है, नहीं तो मार्केट्स में नहीं मिलती पार्किंग। भाई अभी ट्रैफिक में से निकले हैं और भाई ट्रैफिक में बिल्कुल भाई नॉर्मल गाड़ी जैसे चलती है, कोई ऐसा वो नहीं कि भाई ज्यादा वो स्पेशली। हाँ जो शार्प एकदम से कट लेते हो ना आप, उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि पीछे वाला बंदा भाई कहीं आपको चुम्मी ना दे दे। बस जैसे जगह थोड़ी सी ना, मेरे को ये देखो यहाँ कट मारना, तो मेरे को थोड़ा सा स्पेस लेके चलना पड़ेगा, बस ये थोड़ा सा है। लाइट कम है, या तो यूं है इसको जी प्रॉपर अंधेरा, प्रॉपर अंधेरे में देखते हैं, चेक करेंगे। अभी जा रहे हैं भाई हम लेपर ट्रेल, वहीं चेक करेंगे, वहीं टेस्ट करेंगे गाड़ी को, बड़े जगह वही है। और राइड क्वालिटी की बात करोगे ना तो थोड़ी बाउंसी तो है, देखो भाई पीछे पटे हैं, नॉर्मल सस्पेंशन नहीं है ना। आप देखो ये है पिकअप ट्रक, और पिकअप ट्रक के अंदर भाई बंदे अपना सामान लोड करके लेके जाते हैं, उसके कारण भाई इसके अंदर ना पटे दे रखे हैं। आपको राइड कंफर्ट करनी है तो या तो एक दो पटे कम कर दो उसके, या फिर इसका सस्पेंशन रियर वाला आप चेंज करवा सकते हो, जाता है बहुत चेंज करने वाले बैठे हैं। हाइलक्स के लिए तो इतने मॉडिफिकेशन है भाई, बहुत ज्यादा, आज की डेट में थार से ज्यादा मॉडिफिकेशन जिमनी और आपके हाइलक्स के हैं सबसे ज्यादा। और मेरे को स्टेयरिंग का था, और जिसमें हितेश ने तो इसके अंदर आरटी टायर डाल रखे हैं। स्टेयरिंग भाई जितना हार्ड फॉर्च्यूनर का ना उतना नहीं लग रहा भाई, मेरे को पता नहीं क्यों नहीं लग रहा, या तो यूं कह लो कि मेरे को थोड़ा हाइलक्स से ज्यादा प्यार है, फॉर्च्यूनर से इतना नहीं है। स्टॉक टायर्स की वजह से भी ये रीजन है, तो स्टॉक थोड़ा तेरे साइज स्टॉक है, मतलब एचटी की जगह आरटी है, बट साइज स्टॉक है, साइज स्टॉक है 265/60/18 सी टायर को अगर आप बीएफजी लगवा लो ना, ओहो मार देगा भाई साहब, खुदा खुदा के वो भारी बहुत है। डीएफ गुडरिच का तो भाई हर बढ़ना इतना हार्ड है, बहुत ज्यादा। अरे देखो भाई सही टेस्टिंग कर रहा हूँ भाई मैं पूरी फुल, ओए होए ओ हट जाओ भाई साहब। भाई ये जो रोर की साउंड आती है ना, हाँ 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 हाँ, डीजल, ये डीजल गाड़ी चलाने वाले ही समझ सकते हैं भाई इसका क्या मजा है, जब रेस देते ना, ओए होए होए गौ माता जा रही है भाई जाने तो, ओहो हो ये तो सटती हुई जाएंगी भाई, पूरी I-20 बिठा दी है तो कोई सींग सांग ना मार दे गाड़ी का। भाई देखो ब्रेक का टेस्ट करूं इसका, आगे वाला सस्पेंशन तो है मजेदार, ये अब ये खाली है ना देख, हाँ बिल्कुल ऐसे आराम से उतारोगे फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी करते ना पट्टे ऐसे उछालेंगे आपको, आपको दिक्कत नहीं आएगी, पीछे बैठने वालों को आएगी। अब देखो यहाँ पूरा अंधेरा है, अब देखो सामने दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो हाई बीम अगर मैं करता हूँ ना तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अंधेरा आएगा ना तब मेरे को फायदा मिलता है इस लाइट का, ये देखो बिल्कुल अंधेरा होने पे ही ये दिखाती है, ये देखो फिर मेरे को हाई बीम करनी पड़ेगी, लो में काम नहीं चलेगा मेरा। भाई इतना है कि सफिशिएंट लाइट है, वो एक वो होता है जैसे मेरी अजूम लगी हुई है भाई स्कॉर्पियन के अंदर या जिमनी में, फुल उछाड़ेगी। खैर तो टायर भी है भाई आरटी टायर, इसके अंदर रफ टायर बोल लो रग टायर बोल लो, तो ये थोड़ा सा है रबड़ थोड़ी हार्ड रहती है ना भाई, ऑफ-रोडिंग में बहुत मजा देते हैं ये वाले टायर आपको। यार स्टीयरिंग वाकई में यार मेरे को इसका बहुत सॉफ्ट लग रहा है, फॉर्च्यूनर का तो बहुत हार्ड है यार, कंधे दुखा देता है फॉर्च्यूनर का, ऐसा तो पता नहीं लग रहा, या तो स्पेशल तेरी गाड़ी में भाई ऐसा कुछ करके दे रखा। अच्छा ब्रेक में इसके आगे डिस्क है भाई, पीछे ड्रम है, तो काफी लोग कहेंगे भाई पीछे भी चार और डिस्क ब्रेक होने चाहिए, तो भाई टोयोटा पागल नहीं है रिलायबिलिटी के मामले। अच्छा अच्छा भाई सॉरी सॉरी, हाई बीम रह गई थी मेरी, भाई साहब का मतलब लाइट तेज है, चुभती है अगले बंदे को अगर ऐसे अगला बंदा कह रहा है हाई बीम है, ये देखो ठीक है। एक तो यार हमारे को ना ज्यादा तेज लाइट देखने की होगी आदत, सच्चाई बताऊं तो ये डिसेंट लाइट है वैसे देखा जाए तो। विक्रम भाई तुम्हारा मन बन रहा है हाईलक्स लेने का, जो तुम छोटी मोटी कमियों को भी कर रहे हो कोई बात नहीं, चलता है।
जब कोई चीज लेनी हो ना, जब कोई चीज अपनी पसंददार हो तो वो ऐसे ही करता है बंदा, कह रहे चलो कोई बात नहीं चलता है। अरे क्या कुत्ता है, मैं सोचा हिरन है कुछ, बट आज तो लेपर्ड को शिकार मिल गया भाई। एक वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आपको इसके अंदर मिलती जो फॉर्च्यूनर में आपको मिलती है। प्राइस का भी तो बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई, प्राइस का ही तो डिफरेंस है। ये जो रोर है ना भाई, ये जो रेस देने के बाद साउंड आती है, ये मजा देती है भाई मेरे साथ। देखो अभी इस पे थोड़ा सा मैं स्पीड से कूदाऊंगा ना, देखना अगला ठीक है। पीछे वाला थोड़ा सा कूदाता है, तो अगर भाई आपको लोड नहीं लेना, एक ही पिलर अटता है थोड़ा सा, तेरे को भी अटता है तेज? हाँ जी हाँ जी अटता है ना बिल्कुल। भाई को पावर मोड में लगाऊं एक बार? ये लगाया भाई मैंने इसका पावर मोड, इको पावर, दो मोड है भाई। ठीक है भाई साहब, यहाँ तो पार्टी चल रही है, सैटरडे नाइट हो रही है भाई, राह दे दो हमारे ट्रक ने। ऐसा नहीं है यार, भाई बंदा स्वाद सा रहा है चलाने में। हितेश एक काम करना, आपको फील तो, आपको पता ही नहीं लग रहा मेरे को तो एक काम, एक तो भाई पता क्या है, ऑटोमेटिक हो रही है, गियर लगाने का मन ही नहीं कर रहा। ओ भाई फर्क है भाई, पावर मोड लगता ही RPM को रेगुलेट कर देती है ना वो पावर मोड। टोयोटा का भाई DF का बड़ा पंगा रहता है, तो भाई इस गाड़ी का मैं देख रहा हूँ DF टैंक अभी तक 50% है भाई। ओ भाई ये कमाल कैसे कर रखा है तूने, 7416 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, ये कमाल कैसे करा भाई है? ये DF तूने रिफिल नहीं कराया? 7 का ही है अभी तक नहीं कराया, जब जिस स्टॉक जो भी जब डिलीवरी हुई थी तब से लेकर ब्लू मतलब ऐड नहीं कराया। कमाल हो रहा है भाई, मैं कहता रहा हूँ मन लगे खास गाड़ी है तेरे लिए। एक तो इसका स्टीयरिंग इतना स्मूथ है, मैं भी चलाने का चलाने की वजह से भी हो सकता है ऐसा हो। पंजा तू भी हैवी रखे है, पंजा मैं भी हैवी रखूं का। ये तो आपने कहा था कि स्टार्टिंग से अगर आप ऐसे चलाओगे तो बेटर रहता है। मैं तो खींचता हूँ गाड़ी को शुरू से, तभी शुरू में गाड़ी खींच रहा था तो फिर वो गाड़ी एडजस्ट हो जाती है और गाड़ी दबती नहीं भाई। रवा रुआ तो पीछे से ही हो गया, टाटा है, होंडा है, निसान है, आपका मित्सुबिशी है, इनका तो भाई मजा ही अलग है। देख अभी इस खड्डे वाले में थोड़ा सा देखे रहे, ऐसे तो ना कूद रही जितनी कूदनी चाहिए। इस गाड़ी ने तो खींच ले जाऊंगे नीचे तार देंगे हम नीचे तारे, कोई बात नहीं भाई हम साई साहब हम तो नीचे तार लेंगे, हमारी तो ऑफ रोड व्हीकल है। हेलो जी, ओ अगले के अंदर भी मजा आ गई, कह रहे से तो नीचे तार ली मैं भी ले जाऊंगा। ये सही है भाई, शराफत का फायदा उठाया जा रहा है भाई, कोई बात नहीं हमारे पास गाड़ी ऐसी हम इसका फायदा उठा रहे हैं। आहा मतलब स्वाद सा आ गया। लो भाई आप देख लो भाई, इस हाइलक्स के अंदर भाई सिर्फ और सिर्फ ना बाहर से आपके टायर चेंज है और कोई आइटम चेंज नहीं कर रखी भाई ने, लगभग अभी तक ना पूरी स्टॉक रख रखी है। आहा मेरे ख्याल से इस पे वो भी नहीं करा रखना अभी, PPF खाली सेरामिक करा रखी ना। हाँ भाई व्हाइट कलर में मेरे को अच्छी लग रही है, बहुत साल हो गया यार व्हाइट गाड़ी नहीं ली है ना। और टायर प्रोफाइल देखो भाई, इसमें रडार के RT टायर है, रडार रेनेगेड, और टायर प्रोफाइल है आपकी LT टायर है भाई, ये तू ना ना LT है भाई, लाइट ट्रक है, LT टायर है भाई, 265/60/18। ये देख मैं दिखाता हूँ, देख LT टायर है लाइट ट्रक, ये तो RT है, ये तो RT है, रगड़ टायरिन हो गया, रफ टायरिन हो गया, लेकिन ये देख यहाँ पे LT जो अपने पिकअप ट्रक्स होते हैं ना उसमें यही टायर कामयाब है, जो आता है ना इसके अंदर टायर डल के वो LT टायर नहीं है, जैसे योकोहामा का जियोलैंडर आता है अपना जिमनी के लिए, ठीक है वो नॉर्मल भी आता है और LT भी आता है। व्हाइट लेटर में जाएगा तो आएगा LT, और अगर बगैर व्हाइट लेटर है जो मेड इन इंडिया टायर है वो आएगा आपका विदाउट LT लाइट ट्रक। LT का मतलब है लाइट ट्रक, LT भी है और RT दोनों चीज, और टायर बराबर है वैसे देखा जाए तो फेंडर लाइनिंग के ना। अभी तूने फ्रंट की लुक चेंज नहीं करी है? नहीं ग्रिल स्टॉक। हाँ देखो स्टॉक गाड़ी का अपना मजा है, किट्स आती है बहुत सारी, टुंड्रा की किट आती है, टकोमा की किट आती है, नॉर्मल ग्रिल आती है, डी क्रोम करा लो, ऑप्शन तो इसमें कितने करा लो। व्हाइट के साथ तो क्रोम ही अच्छा लग रहा है। हाँ अलॉयज तो मेरे को ये अच्छे लगते हैं भाई, इसके कंपनी से लग के आते हैं, पीछे जो बेड है भाई इसका वो अब कंपनी लगा के ही देती है, ठीक है, और उसमें अभी भाई ने ऊपर कुछ कवरिंग कराने रखी, अभी तो ओपन ही है। हाँ बाकी नंबर का जब ले रखा है भाई ने इसका 3333 HP 91A
स्वार घाट का नंबर है भाई। और अब तो ये देखो ना, जो ये है ना, ये देखो गैस शॉकर भी भाई पीछे से लग के आ रहे हैं। मतलब ये बेड लाइनर और ये जो शॉकर है, काफी चीजें मतलब ये स्टैंडर्ड कर दी टोयोटा ने। इसुजु नहीं देती, इसुजु नहीं देती, पहले टोयोटा भी नहीं देता था। और बम्पर भी पीछे का भाई ये स्टील वाला अच्छा लगता है। देखो चेंज कराओ तो भाई गाड़ी में ना, फिर इसमें ना बहुत कुछ चेंज कराओ। ये वही है भाई, जैसे थार में डेली लगा लो ना, इसमें भी डेली लगा लो, पर वही है, या तो स्टॉक ही रखो। टायर तो मस्त है, देखो टायर तो आपको डालने पड़ेंगे, पर जिस हिसाब के आरटी टायर ना भाई, उतना गूंज नहीं है इन टायरों में। मैं सोचा था बहुत गूंज बनेगी, पर उतनी गूंज नहीं है भाई। और इसके अंदर एक चीज और लगती है भाई, जिससे जो इसकी सेकंड रो है ना, वो थोड़ी सी रिक्लाइन हो जाती है। अभी इस गाड़ी का हम रिव्यू नहीं कर रहे, अभी तो मैं करूंगा, अभी तो मैं सोच रहा हूँ दो चार दिन के लिए ले लूँ इससे, है ना, चलाता हूँ भाई, देखता हूँ क्या कुछ फर्क है। क्योंकि देखो पता क्या है, नॉर्मल गाड़ी में और इसमें फर्क है, वो तो चल जाएगा। कि मेरे को तो पिकअप ट्रक बढ़िया लगते हैं भाई, मस्त मजा। और हाइलक्स जैसा ट्रक तो भाई अल्टीमेट ही है, बस जो शॉकर है ना पीछे वाला, उसका लॉन्ग टर्म में चेक करना है। बाकी फीचर्स तो अपने को चाहिए नहीं होते, अपने को तो रगड़ गाड़ी चाहिए होती है। और टोयोटा से बढ़िया और जापानीज गाड़ी, इससे बढ़िया कोई रगड़ गाड़ी नहीं भाई। और फ्रंट लुक भी मेरे को इसकी फॉर्च्यूनर से ज्यादा सुंदर लगती है, इवन इंटीरियर भी इसका फॉर्च्यूनर से बेटर है। फॉर्च्यूनर तो कॉमन सा हो रही है, इसका थोड़ा अलग सा दिखता है। फॉर्च्यूनर से कंपेयर नहीं कर सकते, एसयूवी और एसयूटी। निर्भय आ गए, निर्भय फॉर्च्यूनर या हाइलक्स? ऑफरोडिंग में हाइलक्स। अच्छा हाँ, वैसे फॉर्च्यूनर तेरे पे तो फॉर्च्यूनर है ना, दो दो दर रहेगा ना, तीन दर, तीन ले रहा है जो नहीं, मतलब अगर फैमिली कार देखो और लिटिल लिटिल ऑफरोडिंग हाँ, तो फॉर्च्यूनर, और प्रॉपर मैडनेस तो फिर इसके तो कोई इलाज ही नहीं। अच्छा फिर मैं फिर मैडनेस में आता हूँ या क्या माऊ मैं? अल्ट्रा, अल्ट्रा में तो भाई अल्ट्रा में तो फिर यही हाईलक्स ही ठीक है फिर, जो फोकस है हमारा। अब मैं वही चेक कर रहा था, पता क्या है, हमने ना ये हटाया नहीं यहाँ से ना, और इतने में ही एक बार में बैक करके लगा, टायर के निशान आपको दिख रहे होंगे भाई, ये देखो एक बार में ही, ये देख रहे हो, ये एक बार में ही ला के यूं, और एक बार में लग गई। तो जो कहते हैं ना भाई, इतना बड़ा पिकअप ट्रक है भाई, पार्किंग कैसे करोगे, ये सब करोगे भाई, कोई दिक्कत ना है। थोड़ी देर लगेगी आपको सेट होने में गाड़ी के ऊपर, मस्त सेट हो जाएगा। अगर आपको प्यार है इस गाड़ी से तो ये आपके लिए है, ये अदरवाइज वही बात है, जैसे थार आपसे प्यार नहीं करती ना, आपको थार से प्यार करना पड़ेगा, सेम यही है, आपको इस गाड़ी से प्यार करना पड़ेगा। और लाइटिंग की बात करें तो हेडलाइट्स जो हैं ठीक है, डिसेंट है, लेकिन आप फोग लैंप जरूर चेंज करा सकते हो। आजकल अजूम के बढ़िया फोग लैंप्स आए हुए हैं भाई, इसके अंदर चेंज हो जाते हैं, बढ़िया है, उसमें तो हो ही जाएंगे। हेडलाइट है ऐसी कैसी रह जाएगी, ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो भाई ऑफ रोड व्हीकल है, ऑक्सिलरी राइड्स का भी ऑप्शन करा सकते हैं, यहाँ नहीं वहाँ बोनट के पास करवा सकते हैं, तो बहुत ऑप्शन है भाई इस गाड़ी में। तो भाई आज तो ना मैंने अच्छी खासी खींच दी, अब मेरे को लग नहीं रहा कि मेरे को और दो दिन चलाने की जरूरत है इसको। बताओ भाई फिर हाइलक्स पिकअप ट्रक लिया जाए, और सिटी में माइलेज बताऊँ भाई इसकी, ये देखो पूरी खींच के चलाइए जब 9.2 KMPL है, सही है भाई, माड़ी नहीं है भाई। स्कॉर्पियो भी तो लोकल में मेरी 10 मतलब 9-10 मतलब आप ये मान लो 10-11 के अराउंड देती है, 9 तो नहीं देती है, वो 9 तो जब देती है बिल्कुल ही बम्पर बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हम उसमें, बाकी भाई सही है। मतलब मेरे को यूं ला लो कि मेरे को हाइलक्स ज्यादा पसंद है फॉर्च्यूनर में, और इसमें मेरे को पता क्या चीज बेटर लगती है, इसमें ना भाई जो ओवर प्राइस नहीं फील होती है डिस्काउंट के बाद, जब इस पे डिस्काउंट नहीं था ना तब तो ये भी ओवर प्राइस थी, तभी बिकती कहाँ थी, अगर इस पे डिस्काउंट नहीं होता तो लेता। मेरे पास पहले Isuzu का ट्रक था हाँ, मेरे को ट्रक तो लेना था, मैं वेट कर रहा था महिंद्रा का गेट स्कॉर्पियो एन का पिकअप आना जो बट ये कुदरती मतलब नेचुरली इसकी सेल्स की वजह से डाउन की वजह से डिस्काउंट आ गया हाँ। पर जो फॉर्च्यूनर और इसका कंपैरिजन अगर हम करेंगे ना भाई साहब, मतलब ट्रक का जो ट्रक और एसयूवी का कंपैरिजन है ही नहीं उसमें, दोनों सेगमेंट ही अलग लगभग। तो हमारे इंडिया के कल्चर आया नहीं, तो अमेरिकन कल्चर तो है ही ट्रक्स पर भाई, सही है, चार पांच बंदे आराम से बैठ जाओ पीछे अपना लगेज डाल के चलो। देखो प्लस माइनस हर गाड़ी के होते हैं भाई, कोई गाड़ी 100 के 100 नहीं होती, मैं हमेशा बोलता हूँ। अब जैसे लगेज छोटा मोटा ऐसा सामान आपको अंदर ही रख के चलना पड़ेगा, जो आपको उतारने पीछे ना जाना पड़े, जो हैंडी ठीक है, हैंडी अपना अंदर रखना पड़ेगा, और ऐसा सामान पीछे जितना मर्जी लोड करके ले जाओ भाई, इसमें ये मना नहीं करेगा। 4000 मैंने Isuzu के ट्रक में जो मोटी केबल आती है हाँ, उसका पूरा बंडल, जो एक पूरा बंडल लेकर गया था आइसन एक फार्म हाउस पे हाँ। तो तब भी इजीली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी उसमें, मतलब होगा कम से कम 5-6 टन का, और उतना ही झोल मारती है जितना फॉर्च्यूनर मारती है, हालांकि इसमें झोल कम है हाँ, बॉडी रोल कम है, हाई स्पीड में मैंने कोर नहीं मारी ना भाई, उतना बॉडी रोल नहीं है जितना मैं समझ रहा था, जितना एक्सपेक्ट कर रहा था मैं,
बाकी देखते हैं भाई को बोलेंगे दो चार दिन भाई देखो बाकी क्या कहती पब्लिक। हाइलक्स लेना चाहिए। अब देखो मैं पीछे हूँ स्कॉर्पियो ना, यहाँ पार्क करता हूँ जैसे मैं दिन में आता हूँ, तो मैं एक बार वही चेक कर रहा हूँ कि मान लो मैं इसको ऐसे लगाऊंगा आके दिन में, मान लो ए थोड़ा सा और मैं इसको आगे ले जाता हूँ, ए बस आगे वाला सेंसर बोल गया, बाहर से चेक करता हूँ कि रोड पे कितना है ये। अब ये देखो भाई आगे मैंने ना पूरा यहाँ तक लगा दिया, ठीक है भाई इतना तो रास्ता चाहिए ना घर के अंदर जाने के लिए, उधर से नहीं है, थोड़ा सा और आ सकता है आगे, ठीक है। उसके बाद भाई जगह कितनी बचती है पीछे, जगह बचती क्या रोड पे कितना है ये पीछे वो देखना है। ए स्कॉर्पियन तो भाई यहाँ खड़ा खत्म हो जाती है, ये इतना एक्स्ट्रा है भाई। चलो इतना बड़ा ट्रक ना देख के लोग थोड़ी साइड तो चले जाऊंगे भाई, हैं कितना भार है, ज्यादा नहीं है, अगर थोड़ा सा और गुंजाइश करूँ ना टेढ़ी करके लगाऊं तो आ तो जाएगा। दिल में बस गई आपके अभी पार्किंग में तो आई जाएगी, आ तो जाएगी घर के अंदर तो मस्त पार्क हो जाएगी, मतलब टेढ़ी जो मैं लगा लेता ना स्कॉर्पियो वो नहीं लग पाएगी पर वैसे लग जाएगी। बाकी ठीक है थोड़ा सा और ऐसे करके लाके यूं लगा दो एडजस्ट हो जाएगा, कर लेंगे एडजस्ट, नहीं तो एडजस्ट कर लेंगे क्यों नहीं कर लेंगे, दिल में जगह बनाई है धीरे धीरे बना रहे हैं। बाकी आप बताओ भाई लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए थार रॉक्स या हाइलक्स? बिल्कुल सही कह रहे हो, एनी डे हाइलक्स। यस मेरा मन हाइलक्स, आप बताओ।